जीत की पटरी पर लौटी एमएस धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस, हैदराबाद को दी मात। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। गलतियों से सबक लेते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2020 के 29वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से मात दे दी। लीग के सीजन में चेन्नई की है तीसरी जीत है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहली बार इस सीजन में सीएसके ने पहली बल्लेबाजी की और शेन वॉटसन और अंबाती रायडू की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 167 रन बनाकर हैदराबाद को 168 रनों का लक्ष्य दिया। इसके बाद गेंदबाजों ने बेहतर खेल दिखाया और हैदराबाद को 147 रन पर ही रोक दिया। कंच शर्मा, डेवन ब्रावो ने दो दो विकेट लिए, जबकि सैम कुरेन, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को एक एक सफलता मिली। हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही और चौथे ओवर में ही दो झटके लग गए। ओवर की तीसरी गेंद पर सैम कुरेन ने अपनी ही गेंद पर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर का कैच लपक लिया। वार्नर 9 रन ही बना पाए। इसके दो गेंद बाद ही मनीष पांडे रन आउट हो गए। 27 रन पर ही हैदराबाद के दो विकेट गिर गए थे। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो, प्रियम गर्ग और विजय शंकर भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। 117 रन पर विजय शंकर के रूप में हैदराबाद को पांचवा झटका लगने के बावजूद केन विलियमसन के रूप में टीम की उम्मीद जिंदा थी, जबकि अर्धशतक बनाने के बाद विलियमसन कर्ण शर्मा को कैच थमा बैठे। विलियमसन ने 39 गेंदों पर 7 चौके लगाकर 57 रन की पारी खेली। विलियमसन ने आउट होने के बाद जब राशिद खान मैदान पर आए तो उस समय हैदराबाद को जीत के लिए 16 गेंदों पर 42 रन की जरूरत थी और अटैक पर कर्ण शर्मा थे। राशिद ने आते ही छक्का जड़ दिया, इसकी अगली गेंद पर चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर सिंगल लिया।